नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवस और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट के। तो जैसे कि आपने वीडियो के हेडलाइन में जो पढ़ा था कि बहुत लोग की आम समस्या रहती है रात को नींद ना आना और एंजाइटी रहना, तो इस समस्या में डॉक्टर जो है बहुत ही डिफरेंट सॉल्ट प्रिस्क्राइब करते हैं प्रिस्क्रिप्शन पे। तो आज मैं उसमें एक जो है लोराजेपम सॉल्ट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ, कृपया वीडियो के एंड तक बने रहिए। सो लोराजेपम टैबलेट जो है वो CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली दवाई है। इसे हम लोग मस्तिष्क पर काम करने वाली दवाई भी बोल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये जो लोराजेपम टैबलेट जो है ये मार्केट में एरिया और डॉक्टर के हिसाब से आपको जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो नॉर्मली जो मिली जाने वाली दवाई जो है लोराजेपम की वो है एटीवेन टैबलेट और एक है लार्कोस टैबलेट और एक है कैलमिस टैबलेट। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा लोराजेपम की जो स्ट्रेंथ रहती है ये आपको 1 mg, 2 mg और 4 mg में ये मार्केट में उपलब्ध रहती है। और बताना चाहूँगा ये बहुत ही जो है मेडिसिन जो है ये सिर्फ डॉक्टर प्रिस्क्राइब के साथ ही आप लें, ऐसे जो है नॉर्मली आप मेडिकल दुकान से नहीं ले सकते। और बताना चाहूँगा ये बहुत ही जो है हैबिट फॉर्मिंग मेडिसिन है जो आपको एडिक्शन भी बना सकते हैं, तो कृपया सोच समझ के आपको इसको लेना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लोराजेपम की यूजेस के बारे में आपको बताता हूँ। लोराजेपम जो है वो आपको मेंटल डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं और आपकी जो है इंसोमेनिया यानी कि नींद ना आना रात भर जो है जो जागते रहते हैं उनको भी ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। और आपका जो है एक्टिव सीजर्स यानी कि दौरे जिसको पड़ते हैं उसको भी ये जो है मेडिसिन दी जाती है। सो दूसरा है एंजाइटी डिसऑर्डर, जो इंसान जो है बहुत ही फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान रहते हैं उनको ये टैबलेट दिया जाता है। और दूसरा है अल्कोहल, जो एडिक्ट रहते हैं जो अल्कोहल से छुटकारा पाना चाहते हैं उनको भी जो है इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। और बताना चाहूँगा और एक कैंसर की जो कीमोथेरेपी रहती है यानी कि नौजिया वॉमिटिंग जो बहुत ही ज़्यादा होने लगती है उस समय भी जो है ये लोराजेपम टैबलेट की जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लोराजेपम के कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बताता हूँ, कौन इंसान जो है इसको नहीं ले सकते। तो बताना चाहूँगा जो भी महिला यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग है यानी कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है या अगर कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है तो ये जो है लोराजेपम नहीं ले सकते। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा अगर कोई भी इंसान जो है बेंजोडाइजेपिन से एलर्जिक है या फिर उसको नैरो एंगल ग्लॉकोमा है तो वो भी जो है ये लोराजेपम जो है मेडिसिन नहीं ले सकते। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये लोराजेपम टैबलेट का जो डोसेस रहते हैं वो एज, वेट और डिजीज के हिसाब से पेशेंट को दिया जाता है। अगर हम लोग नॉर्मल इनिशियल डोज देखा जाए तो ये 1 mg, 2 mg, 3 mg और 4 mg में उपलब्ध रहती हैं और पेशेंट को दिया जाता है। तो इनिशियल स्टेज में जो है पेशेंट को सिर्फ पर डे जो है सिर्फ एक ही टैबलेट देते हैं, पर कभी कभी जो है मीन्स अगर बहुत ही सेवियर हो जाते हैं तो उनको जो है ये दिन में 2 से 3 बार जो है प्रिस्क्राइब किया जाता है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसको जो है कब लेनी है, मीन्स जब भी हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद ही ये लोराजेपम टैबलेट को लेनी है। और इसके बाद आपको और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो लोराजेपम टैबलेट जो है इसको ओल्ड एज को जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है अगर ओल्ड एज वाले इसको अगर लेते हैं तो बहुत लोग का जो है ना साइड इफेक्ट ये देखने को मिला है कि वो लोग खड़े खड़े जो है वो गिर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा इसका साइड इफेक्ट क्या क्या है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इसका जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा सूखना होता है और इसके बाद जो है मसल खिंचाव होती है और इसके साथ साथ आपका एब्डोमिनल जो है बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगते हैं यानी पेटों में दर्द होने लगती है और इसके साथ साथ जो है लो बीपी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो है मीन्स रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लोराजेपम टैबलेट की विथड्रॉल सिम्टम के बारे में बताता हूँ, यानी कि अगर आप लंबे समय तक हाई डोज लेते हो और इसको अगर आप छोड़ देते हो तो इस समय आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली जो है वो एक है एंजाइटी यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच में और ज़्यादा बढ़ जाती हो और इसके साथ साथ आपका हेडेक हो गया और आपका डिप्रेशन हो गया और आपका इंसोमेनिया यानी कि जो है आपको नींद ना आनी
वाली बीमारी जो है वो और बढ़ सकती है, और आपको जो है रेस्टलेसनेस हो गया, टिंगलिंग हो गया यानी कि झुंझुनापन हो गया, ये सब कुछ आपको इस टैबलेट की लॉन्ग डोज में आपको मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये जो विड्रॉल सिम्टम जो है, यानी कि अगर आप लंबे समय तक हाई डोज लेते हो और लेने के बाद तुरंत आप छोड़ते हो, तो इसको जो है अगर प्रॉब्लम को अगर आपको कम करनी है तो इसके लिए आपको क्या करनी है कि आपको धीरे धीरे करके इस दवाई को, यानी कि डोज जो रहती है उसको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके धीरे धीरे करके इसको आपको कम करते जाना है। तो इससे क्या होगा, आपका जो विड्रॉल सिम्टम जो रहते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये जो लोराजेपम टैबलेट जो है ये एक साइकेट्रिक ड्रग है और ये एक प्रिस्क्राइब मेडिसिन है। तो इसे आप जो है कृपया करके जो है वीडियो को देख के या वेबसाइट को देख के, वेबसाइट से कहीं से भी आप पढ़ के जो है इसको सेवन ना करें, आप कृपया डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके इसको लें। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए, ताकि फ्यूचर में जाके कभी भी अगर मैं कोई भी नया वीडियो डालता हूँ मेडिसिन रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आपके चाहने वाले आपके फ्रेंड्स रिश्तेदार को भी जो है सब कुछ मेडिसिन की जानकारी मिले। धन्यवाद।